हिंगनघाट से सटे नांदगांव में नगर निगम में कचरा डिपो से बरसाती पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण कचरा डिपो से लगे सुरेश ढोक पांडे के खेत में गंदा पानी और प्लास्टिक कचरा बह रहा है और उन्हें परेशानी हो रही है। उसके साथ ही अनेक किसानों को इस वजह से परेशानी हो रही है। कचरा डिपो की दीवार ढलने से निरंतर समस्या बनी हुई है। सुरेश ढोक पांडे ने मांग की है कि कचरा डिपो जल्द स्थानांतरित किया जाए और बदबूदार वातावरण और क्षेत्र प्रदूषित ना हो, इसे नागरिक को भी राहत मिले। पत्रकार मित्र बंधूना विनंती करण्यात येते की या कचऱ्याचा डेपोमधील पूर्ण पाणी माझ्या शेतातून काढण्यात आलेले आहे। तसेच ही जमीन विकसित करण्याकरता मी 2 लाख रुपये खर्च करून इथे गोडाऊन बांधकाम करणार होतो, परंतु या निकासी पाण्यामुळे मला बांधकाम करणे शक्य झालेले नाही। तरी या कचऱ्यामुळे मला आणि या नांदगावची लोकांना फार मोठा त्रास आहे। तरी हा कचरा डेपो इथून हटवण्याची आमदार साहेब यांनी कृपा करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो। तसेच हा कचऱ्याचा लवकरात लवकर बंदोबस्त करण्यात यावे आणि माझे झालेले 2 लाखाचे नुकसान हे नगरपालिका यांनी भरून काढावे, अन्यथा यांच्यावर मी दावा करणार आहे। NBC न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।